ओवरहेड वॉल्व सबसे पहले कार मैन्युफैक्चरर इस तरह के वॉल्व का यूज करते थे और इसमें कैमशाफ्ट लोकेटेड होता है इंजन ब्लॉक में और इसमें वॉल्व ऑपरेट होता है पुश रॉड और रॉकर आर्म की मदद से। लेकिन ओवरहेड वॉल्व हायर आरपीएम पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो इसलिए आज के मॉडल कार में इस तरह के वॉल्व का मिलना काफी रेयर है। और ओवरहेड कैम जनरली हायर परफॉर्मेंस देते हैं हायर आरपीएम पर और इसमें वॉल्व डायरेक्टली एक्चुएट होता है कैमशाफ्ट की मदद से, जिससे कि वॉल्व टाइम प्रिसाइज होती है और इंजन की जो एफिशिएंसी होती है और पावर होती है वो भी बेटर मिलती है। ओवरहेड कैम्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल ओवरहेड कैम, दूसरा होता है डुअल ओवरहेड कैम। अगर आपको सिंगल ओवरहेड कैम्स के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डुअल ओवरहेड कैम कॉमन फीचर है मॉडर्न कार में और इंडियन मार्केट में कई मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन को, ताकि कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। और कंज्यूमर की डिमांड होती है बेटर परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी और डुअल ओवरहेड कैम्स इसको पूरा करता है। अगर हम कुछ पॉपुलर ब्रांड का नाम ले जो कि डुअल हेड कैम्स इंजन का यूज करती है, जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई i20, होंडा सिटी, टाटा नेक्सन और महिंद्रा SUV 300 में डुअल ओवरहेड कैम का यूज करा जाता है। डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन को रेफर करा जाता है ट्विन कैमशाफ्ट इंजन से और इसमें दो कैमशाफ्ट का यूज करा जाता है हर एक सिलेंडर बैंक में। एक कैमशाफ्ट ऑपरेट करता है इनटेक वाल्व को और जो दूसरा कैमशाफ्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। एक स्ट्रेट इंजन में दो कैमशाफ्ट का यूज करा जाता है, एक कैमशाफ्ट इनटेक वाल्व को ऑपरेट करता है और दूसरा कैमशाफ्ट एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करता है। वी इंजन और फ्लैट इंजन में सिलेंडर अरेंज होते हैं वी शेप में और फ्लैट इंजन होता है हॉरिजॉन्टली अपोज्ड और इनमें यूज करे जाते हैं चार कैमशाफ्ट का और हर एक बैंक में दो कैमशाफ्ट को लगाया जाता है। और इसमें दो कैमशाफ्ट होते हैं जो कि इनटेक वाल्व को ऑपरेट करते हैं और दूसरा जो कैमशाफ्ट होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करता है। अब जानते हैं डुअल ओवरहेड कैम के एडवांटेज के बारे में। डुअल ओवरहेड कैम में चार वॉल्व का यूज करा जाता है, ना कि दो वॉल्व का, और इनटेक वाल्व का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व का जो एरिया होता है वो कम होता है। और इसको ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि एयर इंजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए और इंजन ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर सके। दूसरा वॉल्व होता है जिसका एरिया कम होता है उसको एग्जॉस्ट वॉल्व बोला जाता है और उसका काम होता है एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालना इंजन से। हायर स्पीड पर इंजन पंप करता है ज्यादा से ज्यादा एयर सिलेंडर के अंदर और एक सिलेंडर में चार वॉल्व होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ज्यादा एयर इंजन के अंदर आने के लिए, जिससे कि इंजन यूजफुल पावर जनरेट कर सके हायर स्पीड पर। और जो बाकी दो एग्जॉस्ट वॉल्व है उससे एग्जॉस्ट निकलती है हाई स्पीड से और पिस्टन उन एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ज्यादातर डुअल हेड कैम इंजन में दो कैमशाफ्ट का यूज करा जाता है एक सिलेंडर बैंक में, जिससे कि हाई आरपीएम पर बेटर कंट्रोल मिलता है और इंजन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल ओवरहेड कैम इंजन के मुकाबले। ओवरहेड कैम इंजन में डुअल कैमशाफ्ट होने की वजह से ये अलाउ करता है प्रिसाइज वॉल्व टाइमिंग को और वॉल्व लिफ्ट को और ये कंट्रीब्यूट करता है बेटर इंजन ब्रीथिंग एफिशिएंसी के लिए और इससे पावर आउटपुट भी बेटर मिलता है। 1910 में पहली प्रोडक्शन कार ने यूज करा था डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन को, लेकिन इस इंजन को अडॉप्ट करने में लगे 30 साल, यानी 1940 में इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसको ग्रेजुअली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करा गया सन 2000 में। अगर एक एग्जांपल ले पुराना इंजन जिसने ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग को जीता था, वो इंजन था फिएट S76। इस व्हीकल में डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट का यूज करा गया था और इस कार में 28.5 लीटर का इंजन था जो कि इनलाइन 4 इंजन था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।